ओम शांति। बाबा कहते संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को यही इशारा देते कि जब इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में आप बच्चे ब्राह्मण बने तो पुराने स्वभाव संस्कार से स्वतः ही न्यारे बन गए। यही न्यारी अवस्था बाप का प्यारा बनाती है और जो बच्चे बाप के प्रिय हैं वे हर आत्मा के प्रति रहम दिल होंगे, क्षमा भाव रखेंगे, अपने स्वभाव संस्कार को ऐसा इजी मोल्ड रखेंगे कि हर आत्मा के स्वभाव संस्कारों को समाकर उन्हें अपने संस्कारों में ढाल लेंगे। तो आज अमृत बेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी आत्मा की स्थिति में स्थित करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। जब अमृत बेले से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में स्वमान पक्का हो जाएगा। तो अनुभव करें संसार के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा। अपने धाम परम धाम से नीचे की ओर उतर रहे हैं। अपनी अनंत शक्तियों को बरसाते हुए वे नीचे पृथ्वी लोक की ओर आ रहे हैं। उनसे निकलती प्रकाश की धारा समस्त भूमंडल को भिगो रही है। समस्त मनुष्य आत्माएं समस्त प्राणी जगत की आत्माओं पर प्रकृति के पांचों तत्वों पर शिव बाबा से निकलता शक्तिशाली प्रकाश बिखर रहा है।
वे धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आते जा रहे हैं। अपनी शक्तियों द्वारा पृथ्वी को पवित्र शक्तिशाली सत्वप्रधान बना रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्म शक्तियों के प्रवाह को पृथ्वी पर आते हुए स्वतः अनुभव कर पा रहे हैं। हर ओर मनुष्य आत्माएं हर्षित हो रही हैं। इस पवित्र धारा के प्रभाव से मनुष्य आत्माओं के विकार भस्म हो रहे हैं। उनके दुख दर्द मिटते जा रहे हैं। मैं आत्मा भी परमात्म शक्तियों का आत्मसात कर रही हूं। और डबल फोर्स के साथ सारे यूनिवर्स में परमात्म शक्तियों को बिखेरती जा रही हूं। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों का आत्मसात कर संपूर्ण निर्विकारी बन गई हूं। तो अनुभव करें, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं।
मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। साक्षी हो जाएं और देखें इस दृश्य को। संपूर्ण सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा। अपना परम धाम का सिंहासन छोड़ नीचे धरती की ओर आ रहे हैं। और अपनी शक्तिशाली श्वेत धारा संपूर्ण जगत में फैलाते जा रहे हैं। सर्व मनुष्य आत्माएं संपूर्ण प्राणी जगत परमात्म शक्तियों का आत्मसात कर हर्षित हो रही है। मैं आत्मा भी परमात्म शक्तियों को आत्मसात कर संपूर्ण निर्विकारी बन गई हूं। एक एक मनुष्य आत्मा पाप मुक्त होती जा रही है। उनके दुख दर्द मिट रहे हैं, वे बोझ मुक्त हो रही हैं। मनुष्य आत्माएं सर्वोच्च निर्मलता का अनुभव कर रही हैं। उनके हृदय में व्याप्त ईर्ष्या द्वेष घृणा मतभेद और बदले की भावना नष्ट हो रही है।
उनमें पुनः भाईचारे की भावना उत्पन्न हो रही है। ईश्वरीय शक्तियां श्वेत प्रपात के रूप में निरंतर बह बहकर समस्त मानवता का रूपांतरण कर रही हैं। मैं आत्मा भी परमात्म शक्तियों का आत्मसात कर प्रत्येक मानव मन में ईश्वरीय स्नेह उत्पन्न कर रही हूं। प्रत्येक मानव मन इस अलौकिक ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण शक्तिशाली श्वेत प्रकाश को आत्मसात कर रही है। वे स्वयं को अत्यंत निर्मल, शांत और शक्तिशाली महसूस कर रही है। वे विकारों, व्यसनों और अवगुणों से मुक्त हो रही है। तो अनुभव करें, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में परमात्म पिता से सर्व प्राप्तियां कर
संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बन गई हूं। परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा से होती हुई संपूर्ण मानवता को पवित्र बना रही हैं। मनुष्य आत्माएं भी अनंत शक्तियों की अधिकारी बनती जा रही हैं। वे भी देह भान को भूलकर स्वयं को विदेही अनुभव कर रही हैं। उनका आनंदित हृदय बार बार इस ईश्वरीय उपकार का धन्यवाद कर रही है। वे भी पिता परमात्मा को प्यार से बाबा बाबा कहकर पुकार रही हैं। वे परमात्मा प्यार के बहते झरने में कर पुलकित हो उठे हैं। उनका मन मयूर नाच रहा है। वे आनंदित हो रही हैं। वे परमात्मा का धन्यवाद कर रही हैं। मैं आत्मा करावनहार अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में
सदा अशरीरी विदेही अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सदा निराकारी बन, निराकारी बाप को याद कर, संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन कर रही हूं। मैं आत्मा आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूं, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर होकर, परमात्म गुण और ज्ञान को धारण कर, सदा संपूर्ण निर्विकारी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों को पाकर, विकारों के अंश अंश को भस्म कर रही हूं। मैं आत्मा परमात्म आज्ञा को पाकर, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, संपूर्ण सृष्टि को निर्विकारी बना रही हूं। तो अनुभव करें, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं।
मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत वेले में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।